मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 8 का हमारा सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉ, इसी चैप्टर के हम आगे के टॉपिक्स को बताने आया हूँ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो तीन टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक है लॉज एंड डिसेंट, दूसरा इसी में आता है सत्याग्रह, और तीसरा है एंटी लीकर मूवमेंट। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक लॉज एंड डिसेंट। देखिए, लॉज एंड डिसेंट, लॉ का मतलब हो गया कानून, और डिसेंट का मतलब होता है अपोज करना। मतलब ये कि कानून जो है ना वो आपको जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लोगों को ये लगता है कि ये कानून जो है ना ये हमारे जो है फेवर में नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। यानी जब कोई ऐसा कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है जिसमें यह प्रतीत होता है कि यह कानून जो है मानव अधिकार के खिलाफ है, उनके अधिकारों का हनन है, तो ऐसे केसेस में लोग उस कानून का विरोध करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लॉ क्या है? द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द लॉ। एंड डिसेंट मींस टू अपोज, मींस दैट इफ द लॉ इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द पीपल, देन इट इज द पीपल हु हैव द राइट टू अपोज दैट लॉ। इसी में एक एग्जांपल आपको है गांधी जी के सत्याग्रह का। देखिए, सत्याग्रह नामी है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। यानी अगर आपकी लड़ाई सच के खिलाफ है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ना वायलेंस की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी तरीके का फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, ये गांधी जी का कहना था। तो यहां गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया। ये सत्याग्रह गांधी जी का जो था, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो सॉल्ट सत्याग्रह है, नमक के खिलाफ जो है वो सत्याग्रह गांधी जी ने किया। ये जो सत्याग्रह जो था सॉल्ट सत्याग्रह, ये 1930 में स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था गांधी जी के द्वारा, जो फ्रीडम मूवमेंट जो चलाए जा रहे थे उसी का ये एक पार्ट है, यानी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट का ये एक हिस्सा था। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखकर वॉइसराय को अपनी कुछ मांगे जो है उन्हें दी थी, और कहा था कि अगर आप इन हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करते हैं, 11 डिमांड्स थे, इनके बारे में आपको हायर क्लासेस में क्लास 10th में पढ़ना है, तो मैं फिलहाल आपकी बुक्स से रिगार्डिंग अभी आपको बता दूं, 11 मांगों को लेकर लॉर्ड इरविन को उन्होंने चिट्ठी लिखा। लॉर्ड इरविन जो है ना उन्होंने गांधी जी की मांगों को नहीं माना, तो गांधी जी ने उन्हें कहा था कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है सत्याग्रह करेंगे, और वो भी कौन सा, सॉल्ट सत्याग्रह। यानी आपको नमक के खिलाफ जो है ना गांधी जी ने आवाज उठाया। गांधी जी को पहले से ही एक ऐसे मुद्दे की जरूरत थी जिसमें अंग्रेजी हुकूमत की नींव को जो है ना फाउंडेशंस को हिला दिया जाए, तो यही था सॉल्ट सत्याग्रह, उन्हें ऐसा मौका मिला। अगर आप देखिए सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का मतलब, तो सिविल का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। सविनय यानी हम आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम जो है चुपचाप से आपके इन कानूनों को नहीं मानेंगे, और उसी में से एक कानून था सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने यह देखा कि नमक एक ऐसी चीज है कि जो गरीब और अमीर हर व्यक्ति के लिए जरूरत है, और अंग्रेजों ने जो है क्या किया था, इसके ऊपर जो है टैक्स लगा दिया। यानी इन अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई आपको उन्होंने एक कानून पारित किया, और उस कानून के तहत जो है आपको नमक बनाना और नमक को बेचना ये उनके ही अधिकार क्षेत्र में आया, किसी अन्य भारतीयों को जो है नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने जो है अपना मार्च शुरू किया था, और ये मार्च जो था वो आपको गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि एक कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहां तक का ये सफर था।
इस सफर की शुरुआत, ये जो गांधी जी का जो सॉल्ट सत्याग्रह जो मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो मार्च जो था ये एंड हुआ था आपको 6 अप्रैल को साबरमती के गांधी जी के आश्रम से दांडी का सफर जो है इसका अंत हुआ। 6 अप्रैल को गांधी जी अपने समर्थकों के साथ वो वहां पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने समुंदर के पानी को उबाला और नमक बनाया। और ये जो नमक जो बनाया इससे उन्होंने अंग्रेजों को ये चुनौती दिया कि अब हम आपके जो है अनजस्ट लॉ को जो है नहीं सहेंगे। अनजस्ट, अनजस्ट का मतलब क्या होता है? अन्यायपूर्ण कानून, ऐसा कानून जो कि अन्याय है, जो कि अधिकारों को लोगों का छीन रहा है, तो ऐसे जो है नियम को अब हम नहीं मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सॉल्ट का जो है ना, ये जैसा मैंने आपको बताया गांधी जी ने इसे एक पावरफुल सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया था। इससे क्या हुआ कि गांधी जी ने जो है लोगों को जो है ना अंग्रेजों के जो है क्रूर चेहरे से लोगों को अवगत कराया, लोगों को यूनाइट करने का काम किया, क्योंकि अमीर हो या गरीब हर किसी के खाने में नमक की जरूरत होती है। अब सॉल्ट लॉ के बाद हम आगे बात करेंगे आपको जो है आंध्र प्रदेश में एंटी लीकर मूवमेंट के बारे में। आंध्र प्रदेश में एंटी लीकर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया महिलाओं के द्वारा। महिलाओं ने कैंपेनिंग किया कि जो जिस तरीके से शराब की बिक्री जो है वहाँ पर तेजी से बढ़ रही थी और पुरुष जो थे वो शराब के नशे में धूत रहते थे, तो ये जो है महिलाओं को जो है ना यही एक काफ़ी परेशानी थी। यानी बहुत सारी महिलाएं जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं ने ये सोचा कि भाई क्यों ना जो है जो शराब जो है जो का खेप जो है ये जो गांव में जो बढ़ रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। तो महिलाओं ने इसकी शुरुआत की और जो बहुत सारे जो शराब के तस्कर लोग जो थे, ठीक है, जो शराब की जो है को बेच रहे थे उनके खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाया और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो पूरे राज्य तक फैल गया। और जिसका परिणाम ये निकला कि आपको जो है लुक कर दिया गया, ठीक है, लेकिन कुछ नए नियमों के तहत। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप देखिए कि महिलाओं ने जो का कैंपेनिंग ने क्या किया, एक असर दिखाया कि भाई शुरुआत एक छोटे से इलाके से हुआ, धीरे धीरे पूरे राज्य तक फैल गया कि राज्य सरकार को भी जो है शराब को बंद करना पड़ा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका ये चैप्टर जो है ये अब एंड हो चुका।